यही तो चाहिए था, बस यही चाहिए था, यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर बस यही चाहिए था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पब्लिक कह रही है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ, क्या नॉलेज लाया हूँ आज यूट्यूब चैनल समोसा क्रिटिक्स पे। तो दोस्तों फाइनली हो जाइए तैयार, क्योंकि दोस्तों आज भी मैं बात करने वाला हूँ सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल के बॉलीवुड डेब्यू के। अभी तक कमाई क्या कर लिया है, फिल्म की बजट कितनी है, और दोस्तों कितनी कमाई कर लिया है सतरमा दिन, सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों सतरमा दिन भी बॉक्स ऑफिस को फाड़ दिया है सनी देओल का बेटा। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल का बेटा राजवीर देओल अपने सतरमा दिन भी फाड़ दिया है बॉक्स ऑफिस को। अपने सतरमा दिन का कलेक्शन का बात करूँ तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे पूरे भारत में दोस्तों 40 लाख रुपए का बिजनेस किया है। जी हाँ दोस्तों, अपने सतरमा दिन कुछ कह नहीं सकता दोस्तों, उस दिन 40 लाख रुपए की शानदार बिजनेस करता है राजवीर देओल की फिल्म दोनों, यानी कि दोस्तों सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल की फिल्म दोनों ने बॉक्स ऑफिस को उखाड़ के रख दिया है अपने सतरमा दिन। यानी कि दोस्तों 40 लाख का बिजनेस हिंदी तमिल तेलुगु मिलाकर किया है, और दोस्तों ऑल टोटल बिजनेस अभी तक कंप्लीट कर लिया है दोस्तों 8 करोड़ कंप्लीट हो चुकी है। और अब सीधा फिल्म के बजट पे चलूं तो दोस्तों फिल्म का बजट बहुत ही कम है, यानी कि दोस्तों फिल्म का बजट मात्र 15 करोड़ की बजट में बनी फिल्म है दोनों, यानी कि दोस्तों राजवीर देओल की फिल्म 15 करोड़ की बजट में बनी फिल्म है। तो दोस्तों ये तो थी लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने सतरमा दिनों तक। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समोसा क्रिटिक्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अब दे भाई को इजाजत, क्योंकि भाई मिल रहा है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।